अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि जिसके कर्ण कर्ण में श्री राम बसे हुए हैं। सभी हिंदुओं के लिए 22 जनवरी वो बड़ा दिन आने वाला है जब राम लला को मंदिर में स्थापित किया जाएगा और ये मंदिर पूरे देश नहीं विश्व के लिए एक मिसाल बन जाएगा। तो अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे देखने को है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो फाइनली हम लोग हैं अयोध्या में। बहुत ही मुश्किल है यहाँ व्लॉगिंग करना, बट स्टिल हम लोग पूरा अयोध्या का दर्शन करने वाले हैं। राम जन्मभूमि देखेंगे और हनुमानगढ़ ही जाएंगे, पूरा अयोध्या को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो अभी हम बढ़ते हैं राम जन्मभूमि की तरफ। आप देख सकते हो मेरे सामने श्रद्धालुओं की भीड़। आप जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे कि कभी अभी भी काफी हद तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इनफैक्ट पूरे अयोध्या में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसा कि मेरी फैमिली तो अयोध्या में ही रहती है, तो उन्होंने अयोध्या को पूरा बनते हुए देखा है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। पूरे सिटी को एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है इस मंदिर के उद्घाटन के लिए। दोस्तों, जो सबसे पहला दर्शन आप करोगे वो होगा रामलला का दर्शन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरा दर्शन का एक्सपीरियंस रामलला का। जो पहला दर्शन हमने किया वो रामलला का ही दर्शन किया। तो वो उस टाइम पे वो एक टेंट में विराजमान थे। काफ़ी टाइम से उनको टेंट में ही रखा गया है, बिकॉज अभी जब ये मंदिर बन जाएगा तब उनको प्रॉपर मंदिर में मूव किया जाएगा। और दर्शन करते टाइम आप बिल्कुल भी कोई बैग नहीं ले जा सकते हो। सिर्फ जो चीज़ अलाउड है वो वॉलेट या पर्स आपका अलाउड है, बट उसमें सिर्फ पैसे रह सकते हैं, कोई मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है। आप जमा करा सकते हो अपना पर्स वॉलेट सब कुछ, मतलब ये सारी चीज़ जमा करा सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट जमा कराने के लिए वहाँ पे जगह है, आराम से आप करवा सकते हो। हमारे नन्हे से प्यारे से रामलला के दर्शन के बाद हम पहुंच गए हैं दशरथ भवन। तो ये वही जगह है जहां महाराज दशरथ का भवन हुआ करता था त्रेता युग में, और कहा जाता था कि यहीं पे उनका जो दरबार होते थे वो लगा करते थे। और चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इसी महल के प्रांगण में खेला करते थे अपने पिता दशरथ के साथ। अब हम बढ़ते हैं कनक भवन की तरफ। ये माता सीता का महल है। ऐसा कहते हैं कि माता कैकेयी ने माता सीता को ये महल शादी के तुरंत बाद तोहफे के रूप में दिया था, और श्री राम और माता सीता इस महल में रहा करते थे। इस मंदिर को पहले तो विक्रमादित्य जी ने रिनोवेट कराया, उसके कई सालों के बाद वृषभानु ने इस मंदिर को रिनोवेट कराया, और आप जो आज महल देख रहे हो ये उन्होंने ही रिनोवेट या रीबिल्ड कराया था। हम लोग अभी कनक भवन में हैं, जो सीता जी का महल है बोला जाता है। और इसका भी टाइमिंग है, तो आपको टाइमिंग देख के ही आना पड़ेगा। 12 बजे आरती वगैरह होती है, अगर आपको देखना हो तो उस टाइम पे आप आ सकते हो। हम लोग तो आरती नहीं देख पाए हैं, बट अंदर से महल वगैरह देख लिया है। और अभी बाहर जाएंगे और हनुमानगढ़ ही वहाँ का दर्शन करेंगे। वहाँ पे शायद मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, बट फिर भी बाहर से दिखा दूंगी। और पूरा स्ट्रीट पर अगर आपको शॉपिंग लेन देखनी है तो वो भी दिखा देंगे। घूमते घूमते लग गई सबको भूख, तो हमें लगा क्यों नहीं करते हैं कुछ पेट पूजा। तो हमने ऑर्डर कर लिया है डोसा, एकदम सात्विक डोसा है, बिना लहसुन प्याज का, आप देख सकते हैं। तो डोसा हो गया हमारा, और 70 रुपए का एक डोसा था। आई वुड से मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कॉस्टली, आई डोंट नो, आप लोग बताइएगा, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, बट टेस्ट वॉज ऑसम, एकदम सात्विक बिना लहसुन प्याज के। बाद हम लोग टूट पड़े पूड़ी और आलू की सब्जी पे। पूरी सब्जी वॉज पैथेटिक, बहुत ही बकवास थी। मैं तो एक बोल बोल के कस्टमर को भी मैंने भगा दिया, बहुत ही बकवास थी, पर ठीक है, आप देख लो, आप मत आना। और जैसे कि हर देव भूमि के पास में एक शॉपिंग स्ट्रीट होती है, वैसे यहाँ पे भी इस प्रांगण में भी एक शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पे आप बहुत सारे तरह की शॉपिंग कर सकते हो। यू विल हैव फन।
हम हैं हनुमानगढ़ी के सामने, जहाँ पे स्वयं बजरंग बली रहा करते थे। जब श्री राम और सीता जी वनवास से वापस आए तो हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या आए और वो यहीं पे हनुमानगढ़ी में रहा करते थे। आज माता अंजनी की गोद में बैठे हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। आप यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, यहाँ आओगे तो ज़रूर यहाँ का देसी घी का लड्डू और खुरचन पेड़ा ट्राई कर सकते हो। मेरा फेवरेट था खुरचन पेड़ा। तो मैं जस्ट हूँ हनुमानगढ़ी के सामने और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है दोपहर में। हमने तो मॉर्निंग में ही दर्शन कर लिया, अभी एकदम खचाखच क्राउड भरा है, सिर्फ जय श्री राम का नारा सुनाई दे रहा है। अभी हम लोग हैं सरयू नदी के तट पे और यहाँ पे जगह जगह पे लोग पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और मम्मी लोगों ने हमें बताया कि कुछ टाइम के बाद ये पूरा कमर्शलाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप्स ही खुलने वाली हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ चलेंगी विद इन सिटी या यहाँ के आसपास वो भी स्पेशल टाइप की, जो मतलब लेस पोल्यूशन क्रिएट करने वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा आई थिंक ये आने वाले नेक्स्ट 6 months to 1 year के बीच में। और अभी हम लोग जाने वाले हैं सरयू नदी के तट पे और दिया वगैरह लेके आए हैं हम लोग, तो दिया सरयू माता को अर्पण करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो अगर आप अयोध्या आते हो तो सरयू जी का दर्शन किए बिना तो आप जा ही नहीं सकते हो। आपको पता है कि हमारे रामचंद्र जी को ये नदी कितनी प्यारी थी। सरयू जी ने रामचंद्र जी का जन्म भी देखा है और यही वो नदी थी जहाँ रामचंद्र जी ने अपने आखिरी कदम चले थे। तो हमें इस नदी को साफ रखना है, बस इसी चीज़ का हमें प्रण लेना है। अगर आप अयोध्या आना चाहते हो तो आपको दिल्ली से डायरेक्ट अयोध्या के लिए ट्रेन मिल जाएगी या फिर आप लखनऊ गोंडा भी आ सकते हो, वहाँ से भी अयोध्या ज़्यादा दूर नहीं है। आपको पता है कि एयरपोर्ट अयोध्या का खुल चुका है तो अब तो फ्लाइट्स भी चलने लगी हैं डिफरेंट सिटीज़ से। अगर वो फ़्लाइट्स कॉस्टली हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लखनऊ तक की फ़्लाइट ले लो और वहाँ से आपको 2-3 घंटे में आप मैक्सिमम अयोध्या पहुँच जाओगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ज़रूर अयोध्या आइए, दर्शन कीजिए। पर जो लोग अभी नहीं भी आ पा रहे हैं तो बस जय श्री राम को याद करते रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। आई विल सी यू सून अगेन। जय श्री राम।